फॉर 10th पॉइंट लेट ऑन। हाँ, ये एक चैप्टर है, ये चैप्टर में से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में अपना पॉइंट नंबर 10, अल्फा बीटा एंड गामा बी द एंगल्स मेड बाय द लाइन विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी अल्फा एंगल है विथ एक्स एक्सिस, बीटा है विथ वाई एक्सिस, गामा है विथ जेड एक्सिस, देन यू नो वेरी वेल कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। यह है 10th पॉइंट, यह है हमारा थ्योरम। ये 9th और 10th सेम हो ना, 9th पॉइंट पे यू हैव सीन ऑलरेडी l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 1, यह है 9th वाला पॉइंट और यह है 10th पॉइंट, दोनों सेम है। देन पॉइंट नंबर 11, पॉइंट नंबर 11 देख लो, 11 नंबर सपोज ये क्रॉस स्क्वायर है, मालूम है आइडेंटिटी, फर्स्ट आइडेंटिटी फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक सेक्शन, क्रॉस स्क्वायर यानी व्हाट, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा क्रॉस स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा क्रॉस स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, दिस 1 विल गेट कैंसिल। ये तीनों साइन स्क्वायर माइनस है ना, टेक टू राइट साइड, यानी साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा एंड साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू ये क्या है 1+1 यानी 2 है। देन ये फर्स्ट 11th में पहला सब पॉइंट, देन सेकंड सब पॉइंट देख लो क्या है, हाँ साइन स्क्वायर है, मालूम फार्मूला, ये फार्मूला सबको मालूम है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर थीटा, हा? 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 इंटू साइन स्क्वायर क्या ये, हाँ साइन स्क्वायर यानी 1 माइनस कॉस 2 अल्फा बाय 2, 1 माइनस कॉस 2 बीटा बाय 2, 1 माइनस कॉस 2 गामा बाय 2 इक्वल टू 2 है। नीचे दो दो, ये दो है नीचे, ले लो राइट साइड में, इतना होता है ये 1 प्लस ये क्या है 1 माइनस कॉस अल्फा कॉस 2 अल्फा, 1 माइनस क्रॉस 2 बीटा, 1 माइनस क्रॉस 2 गामा इक्वल टू 2 टू द 4, यानी व्हाट, लेफ्ट साइड में हमारे पास 3 है ना, 1+1+1 यानी 3 इक्वल टू क्या है ये 4 है ना, लेफ्ट साइड में ले लो, और ये जो बाकी है सारा राइट साइड में क्या है, क्रॉस 2 अल्फा प्लस क्रॉस 2 बीटा प्लस क्रॉस 2 गामा है, देन 4 क्रॉस 2 अल्फा प्लस cos 2 beta plus cos 2 gamma plus 1 equal to 0, ये है तुम्हारा पॉइंट नंबर 11। हाँ फिर पॉइंट नंबर 12, एंगल्स ऑफ डायरेक्टेड एंगल्स ऑफ एक्सिस, मालूम है डायरेक्शन एंगल्स ऑफ एक्सिस, ये पॉइंट नंबर 12 देख लो, हाँ एक्सिस और ये एंगल्स, एंगल्स कहते हैं व्हाट, डायरेक्शन एंगल्स, एंगल्स हाँ क्या है ये, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस का एंगल विद एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस ये एक्स, ये एक्स वाई और ये जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस का एंगल विद एक्स एक्सिस मालूम है ना 0, देन एक्स एक्सिस का एंगल विथ वाई एक्सिस कितना है 90, और एक्स एक्सिस का एंगल विथ जेड एक्सिस है ना, देख लो सपोज ये क्या है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस मेक्स एंगल एन एंगल 0 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, 90 विथ वाई है ना, और 90 विथ जेड, यानी सपोज ये है हमारा ये एक्स एक्सिस और ये y एक्सिस, ये x एक्सिस का एंगल विथ y एक्सिस 90 होता है ना, देखो ये देन y एक्सिस का एंगल एंगल ऑफ y एक्सिस यानी डायरेक्शन एंगल ऑफ y एक्सिस विथ x यानी 90, y यानी 0 और ये z यानी 90, सिमिलरली z एक्सिस के डायरेक्शन एंगल्स क्या है 90 0 90 90 और 0, दीज आर नोन एज
डायरेक्शन एंगल्स है ना, डायरेक्शन एंगल्स ऑफ एक्सिस। देन पॉइंट नंबर 13, ये तुम एक साथ ले लो, ये ट्वेल्थ एंड पॉइंट फ्रॉम यूर पीडीएफ, क्या ये 12 नंबर और 18 नंबर यू कैन टेक डायरेक्टली, दोनों एक साथ ले लो। ये है डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन। पॉइंट नंबर 12 में है डायरेक्शन एंगल्स, पॉइंट नंबर 18 में डायरेक्शन कोसाइन। ये समझता नहीं है, क्रॉस जीरो कोसाइन यानी व्हाट, क्रॉस जीरो समझता नहीं है, क्रॉस जीरो क्रॉस 90 और क्रॉस 90 है ना, क्रॉस जीरो का वैल्यू 1, क्रॉस 90 और क्रॉस 90 1 है, क्रॉस जीरो 1, 90 जीरो जीरो, अरे 90 के लिए 0 1 0 और ये 0 0 1। पॉइंट नंबर 12 डायरेक्शन एंगल्स ऑफ एक्सिस, एंड ये पॉइंट नंबर 12 है और ये पॉइंट नंबर 18 है, डायरेक्शन एंगल्स एंड डायरेक्शन कोसाइन्स। देन पॉइंट नंबर 13 देख लो, पॉइंट नंबर 13 के लिए है, पॉइंट नंबर 13 सब एंगल, पॉइंट नंबर 13 को देख लो, डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ एंगल इक्वली इंक्लाइंड टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, मालूम है इक्वली इंक्लाइंड यानी व्हाट, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, यानी कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, अल्फा बीटा गामा सेम है यानी 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 1/3 और कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 1/3 है, ये प्लस ये सॉरी है कॉस अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 1/3 मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू है ना। ये पॉइंट नंबर तुम देख लो, पॉइंट नंबर 16 के लिए देखो भैया, पॉइंट नंबर 16 के लिए ग्रेटेस्ट वैल्यू है पॉजिटिव 1/3 1/3 1/3, ये ग्रेटेस्ट वैल्यू है। और पॉइंट नंबर 17 में क्या है, मिनिमम पॉसिबल, ये पॉसिबल लीस्ट वैल्यू, देख लो क्या है ये, पॉइंट नंबर 16 में ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एल इंटू एम इंटू एल यानी 1/3 1/3 1/3 यानी व्हाट 1/3√3 और लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एल एम एल यानी क्या, ये 16 पॉइंट में प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ एनी लाइन यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन्स यानी 1/+1/3√3 और मिनिमम, ये मिनिमम यानी लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन्स -1/√3 -1/√3 एंड -1/√3 यानी माइनस माइनस प्लस अगेन माइनस यानी -3√3 ये 16 और 17। देन 13 के बाद तुम्हारे पास ये पॉइंट नंबर 14 देख लो, ये कंपल्सरी पॉइंट यू शुड नो 14 एंड 15 पॉइंट डायरेक्टली, नंबर ऑफ लाइंस इन स्पेस व्हिच आर इक्वली इंक्लाइंड टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, नंबर ऑफ लाइंस यानी 4 और पॉइंट नंबर 15 में क्या है, नंबर ऑफ वेक्टर्स इक्वली इंक्लाइंड टू कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी 8 लाइंस इन स्पेस में लाइंस इक्वली इंक्लाइंड टू कोऑर्डिनेट एक्सिस लाइंस के लिए 4 और वेक्टर्स के लिए कंपल्सरी 8 यू शुड नो यू नो वेरी वेल ड्यूरिंग योर थ्योरी पीरियड थ्योरी और जो भी सी कौन सा बुक है उसमें आएंगे पॉइंट्स हैं। देन पॉइंट नंबर 18 ऑलरेडी वी हैव डन, पॉइंट नंबर 19 के लिए आओ, पॉइंट नंबर 19 क्या है तुम्हारे पास, पॉइंट नंबर 19 डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ अ लाइन आर कंपोनेंट्स ऑफ यूनिट वेक्टर अलोंग दैट लाइन है ना, सपोज ये क्या है एक्स आर वाई जे ये जेड की सपोज ये वेक्टर है हमारे पास है ना, अब ये सपोज ये वेक्टर आर देन मॉड यानी व्हाट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सपोज ये छेद स्क्वायर सब बोला मॉड आर इट इज नोन एज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, याद रखो ये क्या है
direction cosines of a line are the components of unit vector along that line, then you will take x by r, x by r, y by r, or z by r. ये है direction हमारे cosines हैं same हो. They are known as components of the unit vector along that line. Suppose two points हैं हमारे पास. 20 में देख लो. A x2 y2 z2 b x3 y3 और z3 a and b are the two points on line. Then direction ratio of a b and a sorry हाँ ये कौन सा मिलेगा सब x1 y1 कौन सा मिलेगा x2 y2 z any two points on any line. Yeah, any two different points on any line. Suppose AB direction ratio. अब ये direction ratio के लिए देखो यार. Direction ratio है x2 minus x1, y2 minus y1, अब z2 minus z1. Then direction cosines of AB. क्या ये direction cosine के लिए x2 minus x1 by mod r यानी what ये y2 minus y1 by mod r यानी magnitude यानी distance, then z2 minus z1 by mod r. अब ये mod r यानी magnitude of r, ये magnitude of r यानी what ये distance हमारा क्या है x2 minus x1 whole square, y2 minus y1 whole square और ये z2 minus z1 whole square यानी what ये r mod length of AB. Mod r यानि what length of AB. This is ये है direction ratio, ये है direction cosines. उसके बाद point number 21 देख लो क्या है. Any three numbers है कौन से तीन number, any three numbers which are proportional to direction cosines of a line. Suppose देख लो point number 21 देख लो. Any three numbers which are proportional to direction cosines of a line. Suppose ये है direction cosines of line और हमारे पास a b c ये तीन number है. Suppose ये है proportional l n n ये direction cosines है a b c and any numbers which are proportional with direction cosines of line l by a, m by b, n by c, then direction ratios of that line you can take a, b, c, then a, b, c. ये है ये similar तुम इस पर ऐसा ले सकते. Point number 22 में है ना l by a, m by b और n by c. ये है l, m, n यानि direction cosines, a, b, c यानि direction ratio. इनका ratio है ना वो compulsory constant होता है. Then point देख लो 23 के लिए. सपोज 23 के लिए आवा ए बी सी पॉइंट नंबर 23 ए बी सी बी डायरेक्शन रेशियो ऑफ एनी लाइन दे एंड एल एम एन बी डीसीएस ऑफ दैट लाइन. ए स्मॉल ए बी सी ये है डायरेक्शन रेशियो, एल एम एन ये है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एनी लाइन. देन L equal to plus minus A by normal A square B square C square. यानि X by R ये magnitude ना. M equal to plus minus B by under root of A square plus B square plus C square. L equal to plus minus C by under root of A square plus B square plus C square. Then 24 के लिए point number 24 है. A, B, C be the direction ratio and K be the constant, K be any non-zero real number. Then A, B, C direction ratios, direction ratios of any line and K be any constant, non-zero constant. Then K into A, K into B and K into C. A is also the set of direction ratios. देख लो 25 नंबर में क्या है. For any line there are infinitely है infinite ratios or direction ratios. क्या ये ना infinite numbers of direction ratio. ये क्या है 2 3 5 6 तुम इसको मल्टीप्लाई करो 2 2 4 3 2 6 5 2 10
दिस वन इज ऑल्सो डायरेक्शन रेशियो, देन ये क्या है 4/4/5, 6/5, 10/5, दीज आर ऑल्सो डायरेक्शन रेशियो. मीन्स डायरेक्शन रेशियोज आर नंबर ऑफ सेट ऑफ देयर आर नंबर ऑफ सेट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज. डायरेक्शन रेशियो बहुत सारे ले सकते हैं, से देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज. ये 26 पॉइंट वाला ना, I have given you 26 point direction ratios of any line x2 minus x1, y2 minus y1, and z2 minus z1. 27 के लिए देखो, 27 के लिए L1, M1, N1 and L2, M2, N2. 27 के लिए देखो L1, M1, N1 and L2, M2, M2, N2 be the direction cosines of any two lines, then angle between two lines, cos theta, how much? L1, L1, L2, M1, M2, or L1, N2. If B, D, C, S of any two lines, फिर यह है angle between lines, then lines are parallel. Lines parallel यानि compulsory याद रखो, है ना? Lines are parallel one, L1 equal to plus minus equal to आ, ये proportion में होते हैं. Lines are parallel यानि L1 equal to L2, M1 equal to M2 plus minus M2 और L1 equal to plus minus M2. Parallelity condition similarly perpendicular के लिए मालूम है? Perpendicular यानी dot product zero है ना, L1 L2 plus M1 M2 plus L1 L2 equal to zero. You know very well. Direction cosines are given, then angle between two lines, lines are parallel यानी direction cosines are equal, maybe plus minus हो सकता equal. अबे lines perpendicular यानी dot product of direction cosines is compulsory will be जीरो. देन अभी 28 में देखो, 28 में सेम है. यहां पर सिर्फ हमारे पास a1 b1 c1 और a2 b2 c2. ये क्या है? a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 बी द डायरेक्शन रेशियोज, बी द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन नंबर्स ऑफ एनी टू लाइंस. देन एंगल बिटवीन लाइंस A1 A2 B1 B2 plus C1 C2 by under root of A1 square B1 square C1 square under root of A2 square B2 square C2 square. यह है angle between two lines. Lines are parallel यानी A1 by A2 फॉर्मूले. Lines are parallel A1 by A2, B1 by B2 और C1 by C2. लाइन्स आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के लिए a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू जीरो. ये है कंडीशंस ऑफ पैरेलल परपेंडिकुलर लाइंस. सपोज ये पॉइंट नंबर 29 में देखो, 29 पॉइंट नंबर 29 x y z p ऑफ x y z एनी पॉइंट at a distance of P from origin, P of x, y, z be any point in the plane, in the space at a distance of R from origin, then cos alpha equal to x by R, cos beta equal to y by R, or cos gamma equal to z by R. Now, cos alpha, cos beta, cos gamma, you know very well. Direction cosines of line where alpha beta gamma beta in direction angles. Then point number 30, ये most ये also VIMP theorem for your theory था ना, ये theta 1 theta 2 theta 3, ये theta 1 theta 2 theta 3 be the angles made by line with x o y, y o z and z को यस प्लेन, देन मालूम है तुम्हें cos square theta 1, cos square theta 2
cos square theta g equal to 2, right? Then ये 32 में तुम्हारे पास इसका प्रूफ है, 32 में है पॉइंट्स, इसके लिए है 32, उसके लिए सिर्फ तुम ये याद रखना, cos square theta 1, cos square theta 2, cos square theta 3 equal to compulsory 2. अब ये 2, ये theta 1, theta 2, theta 3 यानी angles made by line with its y plane, y z plane and z x plane, हाँ, बाद में 32 points only specific angles है from trigonometric tables and then for 32 ये तुम्हारे पास टेबल में वैल्यू है, then 33 last points ये भी तुम्हारा standard points है, you have to refer yourself as it is, then problems will be continued during your last. Next, 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 next